गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्राइव विद साहिल। आज हम फिर खड़े हैं टाटा की तरफ से हमारा इंडियन ब्रांड, हमारी इंडियन पसंद के सामने, टाटा पंच। आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा की तरफ से न्यूली लॉन्च व्हीकल टाटा पंच के बारे में। इसके बारे में आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ, क्योंकि टाटा पंच का जो प्राइसिंग स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 549 टू ऑल अराउंड 979। तो गाड़ी के जो हमें एक एक डिटेल इसका पता करने वाले हैं हम, इसका एक्सटीरियर, इसका आउटलुक, इसका ड्राइव एक्सपीरियंस, सब कुछ, कि ये टाटा पंच की कि ये गाड़ी कितना अच्छा परफॉर्म करती है, ये जिस प्राइस रेंज में आती है, तो क्या दूसरी गाड़ियों को पंच मार पाएगी कि नहीं मार पाएगी, ये अपने नाम को कितना जस्टिफाई करती है। ये जो गाड़ी है ये बनी हुई है हमारी अल्फा प्लेटफॉर्म पे, अल्फा प्लेटफॉर्म जिस पे आपका टाटा एल्ट्रॉस ही बनी हुई है। तो गाड़ी में सेफ्टी की तो बिल्कुल कमी होने नहीं वाली है। गाड़ी ने जो ग्लोबल एनकप टेस्ट किया है उसमें इसको 5 स्टार सेफ्टी मिल चुकी है। मतलब टाटा की तरफ से अगर आप सेफ्टी को भूल जाए तो ये तो हो नहीं सकता। सेफ्टी का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। तो चलिए हम गाड़ी को पूरा तरीके से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर कर मेहता फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको टाटा का कोई भी प्रोडक्ट देखना हो, इसकी टेस्ट ड्राइव लेना हो, या कोई भी आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं इनके कॉन्टैक्ट डिटेल सारा ही डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम टाटा पंच का फ्रंट प्रोफाइल से, कि फ्रंट प्रोफाइल में गाड़ी कैसी है। तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको है एलईडी देखने मिल जाती है, जो कि हैरियर स्टाइल में डिजाइन की गई एलईडी है। ये आपको हैरियर में देखने मिलती है, सफारी में देखने मिलती है। तो ये सामने आपको कुछ उस टाइप का डिजाइन देखने मिल जाता है। यहाँ बीच में आपको ये ट्रायो बीम का आपको मतलब कॉम्बिनेशन दिया गया है, जो कि काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये जो क्रोम आपका देख सकते हैं, ब्लैक पियानो फिनिश, आपको गाड़ी जो है वो और अच्छी देखने मिलती है। नीचे अगर बात करेंगे हम, तो नीचे आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर ट्रायो बीम मतलब इसमें पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है, जो कि कई लोगों को पसंद आ सकता है और कई लोगों को पसंद मतलब अपनी अपनी पर्सनल चॉइस के लिए। और अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, तो गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी सफिशियंट देखने मिल जाता है। मतलब इस प्राइस रेंज में एक मिनी SUV या SUV से थोड़ा छोटा वर्जन उस टाइप का आपको देखने मिल जाता है। बात करूँ अगर मैं इसकी लाइट्स की ये गाड़ी में, तो आपको हेलोजन प्रोजेक्टर सेटअप देखने मिल जाता है। ये गाड़ी आपको येलो बीम छोड़ती है और ये जो है इसका हाई बीम है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ होल दिख रहा होगा, तो आप ये बोलेंगे क्या गाड़ी ख़राब है कि क्या है, पर ये जो होल है ये आपकी ड्राइविंग को और स्मूथ और स्टेबल बनाने के लिए, इसका जो मतलब जो एयर का इनटेक है, आपकी जो गाड़ी का जो हवा काटेगी, उसके लिए इसको थोड़ा डिज़ाइन किया गया है। बात करूँ मैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, कि साइड प्रोफाइल में आपको क्या मिलता है, तो आपको यहाँ देखने मिल जाता है 16-inch अलॉय व्हील, जैसा कि आप देख सकते हैं यही सेम अलॉय व्हील सेम डिज़ाइन में ही आपको टाटा का जैसे एल्ट्रॉस हो गया उस टाइप का ही। अब गाड़ी जो है वो अल्फा प्लेटफॉर्म में बनी है, तो सिमिलैरिटी तो शेयर करेंगे ही, पर ये अलॉय व्हील मेरे को इस साइज़ का व्हीकल के लिए काफ़ी सूटेबल लगा और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो तो काफ़ी अच्छा है ही। साइड प्रोफाइल की बात करूँ, तो साइड में आपको ORVM मिरर मिल जाते हैं, जो कि आपका रिमोट की से भी कंट्रोल होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये काफ़ी आपको प्रीमियमनेस को और इंक्रीज कर देते हैं, तो रिमोट की से भी कंट्रोल होते हैं। और ब्लैक फिनिश में गाड़ी दी गई है, तो ब्लैक फिनिश में तो मतलब ये पर्सनल चॉइस भी, और अगर मेरी चॉइस माना है तो काफ़ी ही मुझे अच्छा लगता है। ये बिल्कुल आपको एक थोड़ी बड़ी गाड़ी के जो है उसका फील दिलाती है। बात करूँ मैं गाड़ी के बैक डोर ओपनिंग की, तो डोर ओपनिंग में आपको एल्ट्रॉस स्टाइल का ही डोर देखने मिल जाता है। जैसे कि आप देखेंगे तो आपको यहाँ से ही आप इसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ से ही आप इसको खोल सकते हैं। मैं बैक प्रोफाइल की बात करूँ, और अगर मैं गाड़ी की LED की बात करूँ, तो यहाँ पर भी आपको फिर वही ट्रायो शेप में आपको पूरा दिया गया है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी प्रीमियम है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से लेकर पूरा मतलब गाड़ी में ट्रायो शेप पूरा भर के दिया है। बैक प्रोफाइल की बात करूँ, तो बैक प्रोफाइल में आपको ये टाटा का बैजिंग देखने मिल जाती है, यहाँ आपको कैमरा मिल जाता है, और यहाँ आपको पंच की बैजिंग देखने मिल जाती है। नीचे अगर मैं बात करूँ, तो फिर आपको वही ट्रायो बीम का एक सेटअप देखने मिल जाता है। हम आ ही गए हैं, तो गाड़ी के बूट को कैसे भूल सकते हैं। तो गाड़ी का बूट दो, तो ये आपको रिमोट से ही कंट्रोल हो जाता है। अगर मैं यहाँ से खोलूँ तो ये अनलॉक हो जाता है आपका, और आपको यहाँ पर नीचे कंट्रोल दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ऑलरेडी सामान इसमें भरा हुआ है। गाड़ी में मिल जाता है हमको 390 लीटर का बूट स्पेस, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर डीप है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ दो हाथ नीचे डाल के सामान लेना पड़ेगा, तो ये मे भी थोड़ा आपको इशू हो सकता है सामान निकालते टाइम या जो बड़ा सामान है उसको उठाते टाइम। आपको यहाँ पर डोर हैंडल दिया गया है, तो अगर आपकी हाइट छोटी है या आपको ये ऊपर नहीं पकड़ सकते, तो आप इसको ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं, इसको पकड़ के आप अपना जो है बूट क्लोज कर सकते हैं। ये गाड़ी की रही पूरी एक्सटीरियर की बात, सीधे चलते हैं हम गाड़ी के इंटीरियर पे। कार के इंटीरियर की, इंटीरियर में जाने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके डोर। जैसे कि आप इसका डोर देख सकते हैं, सेम एल्ट्रॉस स्टाइल में आपको 90 डिग्री डोर ओपनिंग देखने मिल जाती है। मतलब इसमें आपको 90 डिग्री डोर ओपनिंग देखने मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छा है। अगर मैं डोर की बात करूँ, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको व्हाइट फिनिश देखने मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ थोड़ा व्हाइट फिनिश देखने मिल जाता है। यहाँ आपको नॉर्मल ब्लैक, यहाँ आपके लाइट्स कंट्रोल, यहाँ आपको क्रोम फिनिश, यहाँ आपको ट्विटर, और नीचे अगर देखा जाएगा तो आपको डोर पॉकेट देखने मिल जाता है, बॉटल होल्डर देखने मिल जाता है। अगर मैं और नोटिस करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अम्ब्रेला होल्डर भी देखने मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज की गाड़ी में
आपके बारे में इतना ध्यान रखना मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। बात करूँ मैं गाड़ी की सीट्स की कि गाड़ी की सीट कैसी है, तो गाड़ी की सीट जो मुझे फर्स्ट इंप्रेशन लगा, पहले तो मैं देख लूँ ये मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स है, तो इसमें आपको कोई ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल नहीं देखने मिल जाता है। और अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो सीट आपकी काफ़ी ही मतलब इस प्राइस रेंज की देखा जाए तो काफ़ी कंफर्टेबल आपको सीट देखने मिल जाती है। मतलब सीट्स में आपको कुछ भी इशू नहीं होने वाला है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव में भी जाएंगे तो आपको कंफर्टेबल ही रखेगा। पर एट द लास्ट फिर एक बात आती है, प्राइस और कंपैरिजन, तो हमको उसके हिसाब से ही देख के चलना पड़ेगा। बात करूँ मैं गाड़ी के इंटीरियर की कि गाड़ी का इंटीरियर कैसा है, बात करूँ मैं यहाँ आपको क्या क्या कंट्रोल मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है, यहाँ आपको लाइट्स कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ आपको इको मोड मिल जाता है, यहाँ पर आपको ऑटो स्टार्ट ऑटो ऑफ मिल जाता है, और अगर आप ये देखेंगे तो आपको एसी बेल्ट। अगर आप बिल्कुल क्लियरली थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे या कैमरा जस्टिस कर रहा होगा तो यहाँ आपको हल्का सा वुडन फिनिश टाइप का मिल जाता है, जिसको हम और देखेंगे तो ये पूरा एंड तक जाता है ये वुडन फिनिश, जो कि काफ़ी ही मतलब छोटी छोटी डिटेल है, पर यही छोटी डिटेल गाड़ी को और अट्रैक्टिव देखने मिल जाती है। यहाँ अगर आपका वाइट फिनिश मिल जाता है, और इसमें अगर आपका ध्यान जा रहा होगा तो इसमें भी छोटा छोटा ट्रायोबीम टाइप का आपको कुछ बना के दिया गया है, जो कि मतलब काफ़ी ही अट्रैक्टिव और काफ़ी अच्छा देखने मिल जाता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा बॉक्सी डिज़ाइन में ये पूरा ही डिस्प्ले सिस्टम मिल जाएगा, यहाँ आपको एसी वेंट्स मिल जाएगा, यहाँ आपको 7 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि सेम एल्ट्रोस हैरियर और इनमें ही जो सेम स्टाइल है वही आता है। अगर मैं नीचे की बात करूँ तो नीचे आपको एसी कंट्रोल्स देखने मिल जाते हैं, यहाँ आपको चार्जिंग सॉकेट देखने मिल जाते हैं, यहाँ आपको डिस्प्ले देखने मिल जाते हैं। और मुझे एक चीज़ थोड़ा सा गाड़ी में जो कमी लगी कि इसमें कोई भी हैंडरेस्ट नहीं है। मतलब अगर आपको हैंडरेस्ट मिल जाता तो गाड़ी जो है वो और अच्छी हो जाती। अगर मैं इसके बूट ओपनिंग की बात करूँ, इसका जो ग्लव बॉक्स है, तो आपको यहाँ ग्लव बॉक्स कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने मिल जाता है, यहाँ पर आपको पेपर सामान देखने मिल जाएगा, यहाँ आपको लाइट्स के कंट्रोल है, आपको यहाँ येलो लाइट देखने मिलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ येलो लाइट, यहाँ आपको वैनिटी मिरर देखने मिल जाता है। आप अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी ये चीज़ नहीं है। और अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो आपको डिस्प्ले देखने मिल जाता है, सेमी डिजिटल डिस्प्ले और एनालॉग मीटर, जैसा कि आप इसमें एल्ट्रोस में सेम आता है। अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपको डिस्प्ले देखने मिल जाता है। डिस्प्ले में आपको और क्या क्या देखने मिल जाता है अगर मैं उसकी बात करूँ, यहाँ आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, इंस्टेंट फ्यूल, आपको एवरेज ट्रिप ए ट्रिप बी, ये सारे ही फंक्शन, पावर टॉर्क रेशियो देखने मिल जाता है, और आपको जो कॉमन सेटिंग्स हैं वो सारी देखने मिल जाती है। अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ तो स्टीयरिंग आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग देखने मिल जाता है, जो कि यहाँ पर इसकी हॉर्न यहाँ से होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं गाड़ी की सेफ्टी की बात करूँ है एयरबैग्स की, तो आपको स्टैंडर्डली इसके बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक आपको सारे ही वेरियंट्स में आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं, और ग्लोबल एनकैप 5-स्टार सेफ्टी आपको देखने मिल जाती है। अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूं तो ये आपको हरमन की तरफ से मिल जाता है, टाटा की तरफ से, जिसमें कनेक्ट नेक्स्ट एक आयरा ये सारी चीज़ आपको देखने मिल जाती है। इसमें एक चीज़ मुझे देखी Word 3 Words ये चीज़ है, तो इसमें ये नेविगेशन के लिए इंडियन नेविगेशन ऐप मतलब बनाया गया है कि इंडिया का हिसाब से आप थोड़ा इसको, अब ये तो आपको अब लॉन्ग टर्म में आप चलाएंगे आपको तभी समझ में आने वाला है। गाड़ी में आपको कोई भी हार्ड कीज देखने नहीं मिलती है कि आपको कोई भी हार्ड कीज, आपको सब कुछ इसमें डिस्प्ले ही देखने मिल जाएगा, मतलब आपको सब कुछ इसमें ही देखने मिल जाएगा। अगर मैं होम में बात करूँ तो और हमें क्या क्या मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कमांड, डूडल में अगर मैं देखूँ कि क्या मिल जाता है, तो इसमें आप अपना एक इमेज लगा सकते हैं मोबाइल से, तो आपको वही डिस्प्ले होगा इस स्टेज में, और फ़ोन कंट्रोल, पार्क असिस्ट, ये सारी जो कॉमन बेसिक चीज़ें हैं वो सारी आपको देखने में मिल जाती हैं। बात करता हूँ मैं सीधे गाड़ी की बैक सीट की, और फिर चलते हैं हम गाड़ी के ड्राइव एक्सपीरियंस पे। आ गए हम गाड़ी के बैक सीट पे, और बैक सीट का अगर कम्फर्ट की बात करें तो ये सफिशिएंट कम्फर्ट है। अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, मतलब गाड़ी की जो हाइट है वो काफ़ी सही है। इसका जो ब्रेथ देखा जाएगा तो देखने में तो छोटा लगता ज़रूर है, पर अगर आप इसमें मतलब मेरे साइज़ के भी 3 लोग बिठाएंगे तो कम्फर्टेबली बैठ सकते हैं, मतलब मेरे को सही लगा। बीच में आपको कोई भी हेडरेस्ट देखने नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट देखने मिल जाता है, इसमें आपको बेसिक जो आर्मरेस्ट है वो देखने मिल जाता है, इसमें कोई भी कप होल्डर नहीं, इसमें सॉफ्ट टच आपको दिया गया है। पीछे अगर मैं एक चीज़ मुझे थोड़ा ख़राब लगी वो लगी कि इसमें कोई भी एसी वेंट देखने नहीं मिलता आपको, मतलब लंबे सफ़र में या सिटी में भी पीछे अगर एसी वेंट दे देते तो काफ़ी ही और इम्प्रूवमेंट हो जाता। सीट्स की बात करूँ तो सीट्स आपको फैब्रिक सीट्स देखने मिल जाती हैं, आपको ये सारे ही चीज़ें देखने मिल जाती है। अगर कर तो हम गाड़ी के सीधे ड्राइव एक्सपीरियंस की, ड्राइव कैसे है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, गाड़ी जो आती है वो हमारी आती है 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ, 1.2 पेट्रोल, जो प्रोड्यूस करती है 86 BHP एंड 112 Nm ऑफ टॉर्क। तो वो हम चला के देखते हैं। अगर बात करूँ मैं गाड़ी के बोनट की,
बात करूं मैं गाड़ी के बोनट की, तो ये आपको कवर्ड टाइप का मिल जाता है। यहाँ आपको आइसोलेशन भी अच्छा मिल जाता है, मतलब जैसे दूसरी गाड़ियाँ उसमें कवर्ड नहीं मिलते, तो ये आपको कवर्ड देखने मिल जाता है। यहाँ आइसोलेशन काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर आपको देखेंगे पैडिंग दी गई है, और इसका जो रिफाइनमेंट है वो अभी तक तो देख के लग रहा है कि काफ़ी अच्छा है, अब वो चला के पूरा समझ में आएगा। तो सीधे चलते हैं हम गाड़ी के ड्राइव एक्सपीरियंस पे। बात करूं मैं गाड़ी के बैक मिरर की, तो बैक मिरर आपको कुछ ये मिल जाता है, आपको स्टीयरिंग के हिसाब से अडाप्टिव गाइडलाइंस देखने मिल जाती है, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब जो टाटा की दूसरी गाड़ियों में भी मिलता है वो आपको मिल जाता है, और रात हो चाहे दिन हो वीडियो क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है, और ये फिर मैं लॉन्ग टर्म यूजेज में और आपको पता चल जाएगा। आ गया हूँ मैं गाड़ी के ड्राइव एक्सपीरियंस से। ड्राइव एक्सपीरियंस में जाने से पहले सबसे जो पहली बात होनी चाहिए वो होनी चाहिए विजिबिलिटी की, कि गाड़ी विजिबिलिटी कैसी है। मैं ऑलमोस्ट 6 फीट का हूँ, मुझे बोनट जो है वो काफ़ी अच्छा विजिबल हो रहा है इसमें। अगर आप देखेंगे तो एंड टू एंड तक, मतलब आपको लग नहीं रहा है कि आप कोई छोटी गाड़ी में बैठे हैं, बोनट काफ़ी अच्छा है। अगर मैं इसके ORVM की बात करूँ तो ORVM भी आपको काफ़ी ब्रॉड, ये जो थोड़ा नेक्सॉन अगर आपने चलाया होगा तो ये नेक्सॉन डिज़ाइन में ही आपको यहाँ ORVM देखने मिल जाते हैं। अगर मैं बैक मिरर की बात करूँ तो रियर व्यू मिरर भी आपको काफ़ी अच्छा देखने मिल जाता है। तो मैं गाड़ी के NVH लेवल की, तो वो आप खुद ही सुन लीजिए। जो हल्का सा जो नॉइस है वो तो आपको आता है, क्योंकि गाड़ी जो है वो हमारी है 3 सिलेंडर इंजन के साथ, तो 3 सिलेंडर इंजन के साथ थोड़ा जो नॉइस का जो इशू है वो तो आपको थोड़ा सा रहेगा, पर ऐसा जैसे मेरे को कोई और नॉइस समझ में आती नहीं है। गाड़ी की अगर मैं स्टेयरिंग की बात करूँ तो गाड़ी की लाइट स्टेयरिंग है आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, मतलब सिटी यूज में आपको काफ़ी अच्छी स्टेयरिंग देखने मिल जाती है। अगर मैं गाड़ी का थोड़ा पिकअप की बात करूँ, अभी जैसे हम चल रहे हैं थर्ड गियर में, अगर मैं पिकअप की बात करूँ तो गाड़ी का जो पिकअप है वो काफ़ी एक्यूरेट है, एडिक्यूएट है, मतलब इसमें आपको उतना इशू नहीं है। मे बी अगर आप गाड़ी का जो पिकअप है वो आप 4000 या 2500 के ऊपर चलाएंगे तो आपको इनिशियल पिकअप गाड़ी में उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि गाड़ी जो है वो आती है हमारी 1.2 लीटर इंजन के साथ। पर इस जैसे ही आप 2000 RPM क्रॉस करेंगे आपको पिकअप की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि जो इंजन है वो एकदम से टॉर्क आपको देता है। गाड़ी में हमको दो मोड मिल जाते हैं, गाड़ी में आपको जो एस सच जो हमेशा टाटा देती है एल्ट्रॉस में भी हो, आपको दो मोड देखने मिल जाते हैं। एक आपको मिल जाता है सिटी मोड और एक मिल जाता है आपको इको मोड। तो आपको इको मोड तो आपको फ्यूल एफिशिएंसी के लिए होता है कि आपको इजीली जो है वो फ्यूल आप बचा सकते हैं उसके लिए, और सिटी मोड जो डे टू डे यूज़ होता है। गाड़ी में अगर मैं और फीचर्स की बात करूँ तो आपको इस प्राइस रेंज में आपको क्रूज़ कंट्रोल भी देखने मिल जाता है, जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे जो आपको क्रूज़ कंट्रोल देखने मिल जाता है। अगर मैं गाड़ी की सस्पेंशन की बात करूं कि गाड़ी का सस्पेंशन कैसा है, तो अभी तो मेरे को स्ट्रेट रोड में काफ़ी मतलब अच्छा, मतलब ऐसा कुछ जर्क वगैरह फील हुआ नहीं है, तो बैलेंस साइड में सस्पेंशन है, सस्पेंशन में उतना मेरे को कुछ इशू नहीं है। मतलब अगर मैं अभी तक का एक आउटलुक दूँ आपको, तो सस्पेंशन आप बोल सकते हैं कि बैलेंस साइड में है, तो आपको कम्फर्ट भी रहेगा और चला के भी। जैसे थोड़ा सा यहाँ पर गड्ढा है उसमें अगर मैं हल्का सा ट्राई करूँ, परफेक्ट जो सस्पेंशन है छोटे मोटे गड्ढे में आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रही है, क्योंकि गाड़ी का जो 16 इंच का अलॉय व्हील है उस हिसाब से गाड़ी जो है वो काफ़ी ही अच्छे से हैंडल कर लेती है। तो सस्पेंशन है मेरे को अभी तक कोई भी इशू हुआ नहीं है। 2000 पिकअप, जैसे अभी आप देख सकते हैं गाड़ी अभी ऑलमोस्ट 2000 RPM पे ही चल रही है थर्ड गियर पे। गाड़ी जैसे आपने देखा पिकअप जो इसका है वो 2000 RPM की चल रही है, तो आपको थोड़ा सा पिकअप जो है वो 2000 RPM के बाद इनिशियल स्टेज, और ये नहीं बाकी जितनी भी गाड़ियाँ 1.2 लीटर में आती है बहुत ही रेयर गाड़ियाँ हैं जो उसके नीचे एकदम से ड्रैग करें, क्योंकि ये गाड़ी जो है आपकी सिटी मोड के लिए। अगर मैं मोड की बात हो गई, अगर मैं इसमें इको मोड डाल दूँ, एल्ट्रॉस वगैरह में आपको यहाँ पर मोड मिलते हैं, पर इसमें आपको जो मोड मिलते हैं वो आपको इस साइड मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। और इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड से ये भी समझ में आ रहा है कि गाड़ी का जो वॉइस कमांड है वो भी थोड़ा इम्प्रूव किया गया है, तो काफ़ी अच्छा है। इसमें अगर आप देख सकते हैं इकोनॉमी मोड मिल जाता है आपको यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो आपको डिस्प्ले में डिस्टेंस टू MT जो कि आप डिस्टेंस टू MT, हाँ इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिल जाती हैं। तो ये मेरा कुछ रहा इसका ड्राइव एक्सपीरियंस रिलेटेड। ड्राइव एक्सपीरियंस में अगर मैं और बातें करूँ कि इसमें गाड़ी में आपको क्या क्या मिल जाता है, तो अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो टाटा है, यू कैन नॉट मिस इट विद सेफ्टी। सेफ्टी में आपको ग्लोबल NCAP 5-star सेफ्टी मिल जाती है, जो कि टाटा है तो वो तो भाई बनी बात है, इंसान लेता है टाटा तो सेफ्टी के पर्पज से ही लेता है। तो ये सारी बातें इसकी ड्राइव एक्सपीरियंस की, विजिबिलिटी की सारी बात हो चुकी है। एट द लास्ट ये क्वेश्चन आता है कि शुड यू बाय दिस व्हीकल और नॉट, आपको ये गाड़ी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गाड़ी का जो प्राइस रेंज है वो आता है 5.49 टू ऑल ऑफ 9.79 लाख तक, एक शोरूम प्राइस जबलपुर। तो ये आपका आता है, इसमें आपको बेस मॉडल का नेक्सॉन ही मिल जाता है और एल्ट्रॉस ही मिल जाता है। पर अगर
आपका जो यूजेस है वो आपको थोड़ी ऊंची गाड़ी चाहिए और बजट आपका अगर इस बीच में आता है तो फिर मेरे हिसाब से बेस्ट चॉइस रहेगी, क्योंकि आपको ऊंची गाड़ी तो फील आता है और ये मैं जो बोल रहा हूँ वो आप फील नहीं कर सकते। आप एक बार इसको टेस्ट ड्राइव जरूर कर लें। अगर आप जबलपुर से हो तो फ्रंटियर कर मेहता पे आके आप देख सकते हैं गाड़ी को और टेस्ट ड्राइव अपनी बुक कर सकते हैं। तो वीडियो हमारा यही खत्म होता है। अगर आपको कोई भी इसमें डिटेल देना हो, कोई भी सुझाव देना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ माई फ्रेंड हर्षित। थैंक यू फॉर वॉचिंग ड्राइव विथ साहिल। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।